आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारी जुलाई मंथ की परफॉर्मेंस। तो जुलाई में तीन स्टॉक सजेस्ट किए थे, तीनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि तीसरा शेयर जमुना ऑटो, इसने ना हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया और ना ही टारगेट को। हमारा 138 का टारगेट था, 135 का हाई इसने लगाया है, तो ये हम अपना टारगेट अचीव नहीं मानेंगे। और जहां यस पक्का की आती है तो बात, वहां इसने 20% का रिटर्न दिया है और महाराष्ट्र सीमलेस ने तो धूम मचा दी, 22% का हमें रिटर्न दिया है। इन तीनों का अगर मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स 14% का रिटर्न हमें लास्ट मंथ में मिला है। उस समय मार्केट बहुत तेजी से क्रैश की थी, उस समय ही इन्होंने परफॉर्म किया था। उसके बाद में अभी बाउंस करके बहुत ऊपर आ चुकी है मार्केट। अभी जानेंगे इस महीने में हम कौन से तीन शेयर लेने वाले हैं, कौन से तीन शेयर बताने वाले हैं। हमारा पहला स्टॉक है ना, वो है देवयानी इंटरनेशनल। क्या नाम सुना है इसका? जानते हैं इस शेयर के बारे में, देवयानी इंटरनेशनल के बारे में कोई भी जानता है क्या? अगर आप केएफसी में गए होंगे ना, ये देख रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल, और यहाँ पे आपको केएफसी दिखाई दे रहा है, तो इनकी ऑपरेट करता है ये चेन। इसी तरह से पिज्जा हट है ना, उसका भी चेन को ऑपरेट करता है। इसी तरह से कॉस्टा कॉफी, ये सब इंडिया में ज्यादातर ऑपरेट करते हैं। और ठीक है, देवयानी इंटरनेशनल क्यों दे दिया फिर? तो इंटरनेशनल में कहाँ ऑपरेट करती है? तो भैया नेपाल में ऑपरेट करती है और एक और जगह पे ऑपरेट करती है, बहुत छोटी सी कंट्री है वो भी, वहाँ दो जगह पे ऑपरेट करती है। जहां तक इसकी सेल्स और मार्जिन की बात की जाए तो ज्यादा कुछ है नहीं इस सेल्स एंड मार्जिन में, बस चार्ट इसका अच्छा है। मार्जिन इसकी 14% के आसपास, 13-14% के आसपास अभी मेंटेन कर रहा है। पहले का जो हिस्टोरिकल है उसमें नेगेटिव मार्जिन भी गई है, तो ज्यादा फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सिंपल सा इस कंपनी का चार्ट बहुत अच्छा है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये 178 रुपीज के आसपास चल रहा है ये शेयर। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल रहेगा, आपका स्टॉप लॉस यही 160 रहेगा। 160 का स्टॉप लॉस के साथ में इसे बाय कर सकते हैं। इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 188, और इसका दूसरा जो टारगेट होगा वो 200 होगा, और तीसरा टारगेट 250 हो सकता है, 250 भी आ सकता है एक महीने के अंदर में। और दूसरा स्टॉक है निखिल एडहेसिव, ये स्टॉक भी बहुत ही शानदार है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा इसका चार्ट देख लेते हैं। निखिल एडहेसिव भी बहुत ही पुरानी कंपनी है और ये डेली चार्ट है इसका, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें तेजी आई हुई है पहले, और अभी एक जोन में फंसा हुआ है, कह सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है ये, बहुत दिनों तक कंसोलिडेट कर चुका है। अभी इसकी RSI और सारे कुछ बहुत ही फेवरेबल है, 929 रुपये का शेयर है। यहाँ पे आप अगर एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 880 रुपीज़, 880 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, जो मेरे ख्याल से 5% के आसपास ही बैठेगा। और यहाँ पे इसके जो टारगेट बन के आते हैं ना, वो है 950 रुपीज़, 980 रुपीज़ और 1020 रुपीज़, ये इसके टारगेट बन के आते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारी तीसरी कंपनी। हमारी तीसरी कंपनी है वेस्ट कोस्ट पेपर, ये इसका डेली चार्ट है और बहुत ही शानदार इसका चार्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छी इसने छलांग लगाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तीनों स्टॉक जो भी रिकमेंड कर रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स ने ही बताए हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे, और इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत सारे चार्ट डाले हैं, उनमें से ही मैंने सेलेक्ट किया है और उन्हीं को मैंने दामोदार दिया था इस बार कि आप लोग बताएंगे कौन सा स्टॉक काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। और ये रिकमेंडेशन हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से ही आई है, बहुत मेहनत की है उन लोगों ने और उसके बाद में ये बताए चार्ट्स। अगर आप यहाँ पे घुसते हैं 422 के लेवल पे, तो आपका स्टॉप लॉस 380 का रहेगा, 380 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट 445 रहेगा, दूसरा टारगेट 480 रहेगा, और तीसरा टारगेट आपका 520 रहेगा।